शुरुआत कुछ शेरों से करना चाहूंगा कि बचपन में तू पढ़ती थी पोयम, आज तू मेरी कविता है। बचपन में तू पढ़ती थी पोयम, आज तू मेरी कविता है। मैं जेठालाल, तू मेरी बबीता है। तुझे पाने की एक अजीब सी तिश्नगी है, तुझे पाने की एक अजीब सी तिश्नगी है। कुर्बत है हमारे बीच तभी दिल लगी है। ए आफरीन बता जरा, ए आफरीन बता जरा, तेरी तबस्सुम देख कितने फना हो गए। हम घायल और तुम क्यों बेगुनाह हो गए। तो अब पूछना चाहूंगा कि कटा किस किस का है, स्कूल में प्यार किस किस को हुआ है। तो बस ऐसे ही दो लव स्टोरी है, वही सुनाना चाहूंगा। नूरानी चेहरा, काला चश्मा, आंखों में नशा, जुबा पे गाली, कत्ल करने वाली अदा। कभी ये सारी चीजें किसी एक में देखी हैं? वो क्लास की सबसे खूबसूरत मोहतरमा थी, वो दिव्या बत्रा थी। इमेजिन कर लो वो संतूर वाला एड कि आपका चेहरा हमारे लिए लकी है, याद आया। अच्छा चलो अपनी स्कूल की यादों का दरवाजा खोलो और अपनी फेवरेट क्लास में जाओ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। उसमें एक सबसे पॉपुलर लड़की होगी, सबकी चहेती, सबसे खूबसूरत, बस उसी से मैं प्यार कर बैठा। और हाँ, ये एक तरफा मोहब्बत नहीं थी। शुरुआत करता हूँ। चल रही थी प्रैक्टिस एनुअल डे की और वो तारीफ कर रही थी एमी वे की। मैं पैटीज खा रहा था, मैंने बोला लेगी, उसने बोला नहीं। मैंने खाना खाया है, आज तक तुम्हें देख कौन कौन शर्माया है। इसी बीच उसके उसके चिक्स हो गए थे पिंक, उसके मेरे बीच था टिंडर का लिंक। विंक मारते हुए उसने मुझसे कहा, 7, 6, 5, 8, 6, 7, 3, 6, 4, यहाँ काफी है शोर। चलो ना चल के कैंटीन में बातें करते हैं, कल तोड़ने के लिए आज थोड़े वादे करते हैं। मैंने कहा उससे, खूबसूरत तुम इतनी की चांद शर्मा जाए, हॉट तुम इतनी की सूरज गर्मा जाए। अपने आप में ही तुम एक मौसम हो, जैसे भी हो बड़ी औसम हो। तुम बड़ी खूबसूरत सी स्त्री हो, कल 4 बजे क्या तुम फ्री हो। उसने कहा, फ्री तो नहीं बट तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है। उसके दांतों में कितनी शाइनी शाइन है। फिर 4 बजे हम मिले अगले दिन। साइड में था एक छोटा सा डस्टबिन, वहीं पे वो स्वैग में खड़ी थी, ब्लैक हील्स में वो लग रही मुझसे बड़ी थी। मैंने कहा उससे, ये रे टिकट्स, हम जा रहे हैं सिनेमा हॉल। उसने कहा, पापा को लेट मी जस्ट कॉल। फाइनली पापा से उसे मिल गई थी परमिशन, कंप्लीट हो गया था मेरा पहला मिशन। हम देख रहे थे मूवी इन्फिनिटी वॉर, आयरन मैन और थॉर, बेबी मुझ पे करो ना गौर। धीरे धीरे हो गया था ठंड का माहौल, उसने निकाली अपनी शॉल और कहा, ओढ़ लो अपना दिल मेरे साथ ही जोड़ लो। तो थोड़ी देर बाद फिर हो गया इंटरवल, मैंने चलाई अपनी अकल। सोचा मैंने ये कराएगी बहुत खर्चा, तो निकाल लिया मैंने अपना शायरियों का पर्चा। पूरा इंटरवल मैंने सुनाई उसे अपनी कविता, मैं जेठालाल वो बबीता। तो हुई हुई फिर मूवी खत्म और उसने कहा, चलो कुछ खाते हैं। मैंने सोचा इसे मैकडॉनल्ड्स में ले जाके सस्ते में निपटाते हैं। हम पहुंचे और मैंने ऑर्डर किए 2 मैक आलू टिक्की। ऑर्डर लेने वाली लड़की की थी नेक पे क्यूट से हिक्की। तो हमने खाया पिया और मैंने कहा, चलो निकलते हैं, और वो, चलो ना झूले वाले पार्क चलते हैं। बड़ी मस्ती में वो झूला झूल रही थी, लेकिन एक बात वो भूल रही थी, उसके साथ इट वॉज ऑल ब्लिस, बेबी कम ऑन नाउ लेट्स किस। तो किस के बाद हम करने लग गए थे वादे, हमारे नेक थे इरादे, जैसे कि तुम्हारा मेरा साथ LIC की तरह, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी। हम दो जिसमें एक जान थे, खूबसूरत बड़ी ये शाम थी। फिर थोड़े दिनों बाद उसकी जिंदगी में आया एक लड़का, जिसे देख मैं था भड़का। मुझे कहती, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं समझ गया यहाँ मेरा दी एंड है। तो धीरे धीरे उसका प्यार बट गया और मेरा एज यूजुअल कट गया। थोड़े टाइम बाद किस्मत का पाला भी पलट गया, मेरा क्या उस लड़के का भी कट गया। तो अब एक दूसरी स्टोरी है, ये वही स्टोरी है जिसके लिए मैं अवार्ड जीता था। तो आर्ट्स का मैं लड़का और वो साइंस की थी लड़की, उसका गुच्ची का बैग मेरी जेब थी कड़की। मेरी पिकअप लाइन सुन वो थोड़ी सी भड़की, कहती, हट पागल बेवकूफ बेशरम सन की। तो एक हफ्ते प्रैक्टिस मैंने रोज किया और फाइनली उसे अप्रोच किया, हे
हाय आपका नाम शनाया है, बड़ा खूबसूरत आपको रब ने बनाया है। यूं तो चांद सिर्फ एक ही है, उसके आसपास कितने सितारे हैं, ठीक वैसे ही कि आप चांद और आपके आशिक कितने सारे हैं। तो अब बोल दो ओ सो स्वीट और बढ़ा दो दोस्ती का हाथ, तो अब बोल दो ओ सो स्वीट और बढ़ा दो दोस्ती का हाथ, ताकि इंस्टा पे चैट करें हम सारी सारी रात। तो हो गई थी दोस्ती और अब मैं उसका लंच पार्टनर बन गया था, दोस्तों के बीच में लव का मास्टर बन गया था। मेरे हिस्ट्री के नोट्स, उसके बायो के डायग्राम्स, एंड वन डे समथिंग हैपेंड बाय चांस। पीटीए सर का फेयरवेल था और मैं थोड़ा सा अनवेल था, वाइट शर्ट और बालों में जेल था। तो उसी बीच वो आई, उसने कहा आर यू ओके, और मैं हाय कोई तो रोके। उसके कान का झुमका और उसकी आंख का काजल देख के उसे मैं हो रहा था पागल। मैंने पकड़ा उसका हाथ और खींचा अपने क्लोज, किस करते वक्त पीछे नहीं आती है नोज। भाभी भाभी बोलने लग गए थे उसे मेरे सारे ब्रोस। तो अगले ही दिन मैंने लिया एक रोज, नीस पे बैठ के मैंने फाइनली किया प्रपोज। इसी बीच पूरी क्लास कर रही थी शाउट और डरता मुझे कहीं हो ना जाऊं मैं आउट, लेकिन शी सेड यस और सब ब्लैक आउट। उसने निकाला अपना फोन और ली सेल्फी विद पाउट। डोंट नो वाई आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड एंड ऑल द स्टूडेंट्स वर शाउटिंग सो लाउड। तो डांटने भी आया वही टीचर जो था पूरा लीचड़। तो अगले दिन क्लास टीचर ने कहा मेरा साइंस में थर्ड पीरियड सब्स्टिट्यूशन है। मैं पहुंच गया, मैंने बोला मैम कंफ्यूजन है। इसी बीच मैम थोड़ी सी थी शॉक, तो हमें मिल गया था मौका करने को टॉक। शी सेड हे हाय एंड आई वाज लाइक हाय। इंट्रो करा रही थी वो अपनी सारी फ्रेंड्स से और सबको मैं ग्रीट कर रहा था एक एक कॉम्प्लीमेंट से। तो इसी बीच मैं उसके साथ बेंच पे वहीं बैठ गया और मैम ने डांटा तो उनसे मैं ऐट गया। तो इसी बीच उसने अपनी लट्टों की क्लिप हटा ली थी, मैम घूरे जा रही, उन्हें क्या पता मैंने लड़की पटा ली थी। हंसना है तो ढंग से हंसना यार, ये क्या खी। तो थोड़ी देर बाद बज गई फिर बेल और मैम ने कहा नाउ गो टू हेल, हेल 12th आर्ट्स को कहते थे। तो लंच में उसकी फ्रेंड्स ने मेरे आसपास बना लिया था घेरा एंड दैट फीलिंग वाज लिटरली लाइक की धूले का सहरा। तो आफ्टर द लंच वी वर स्टैंडिंग इन अ लाइन, आई वाज हर्स एंड शी वाज माइन। तो फिर हम लाइन से जा रहे थे क्लास, वो आई मेरे पास और कहा चलो ये पीरियड बंक करते हैं। मैंने कहा कि बंक करो, 3-2-1 करते हैं। उसने आंखें खोली और मैंने पहनाई उसे रिंग, आई सेड इट इज जस्ट अ बिगनिंग। तो हम फिर चले गए मेरे बंकिंग स्पॉट आर्ट रूम। मेरी फेवरेट टीचर कह रही बेटा तो घूम घूम। तो मैंने कहा मैम गर्लफ्रेंड, प्रिंसिपल को पता चलेगा बेटा करेगी सस्पेंड। तो फिर 6 महीने 20 दिन तक हम एक साथ थे और काफी खुशखुशहाल थे, जैसे कि वाटर टैप के पास हम रोज होली मनाते थे, कभी इस टीचर का तो कभी उस टीचर का हम चू बनाते थे। यूं ही नहीं हम स्कूल के बेस्ट कपल कहलाते थे। हर 4 तारीख को हम अपनी मंथली एनिवर्सरी भी मनाते थे और स्टाफ रूम में हम कभी कभार चर्चा का विषय भी बन जाते थे। गार्ड को घूस दे के हम आइसक्रीम भी मंगवाते थे और जूनियर्स को इश्क का पाठ भी पढ़ाते थे। हमारा दिल था साफ और इरादे थे नेक, इमोशन सारे सच्चे ना थे कोई फेक। तो एक दिन ऐसे ही हम पी रहे थे ओरियो शेक और हमने डिसीजन लिया लेट्स टेक अ ब्रेक, क्योंकि बोर्ड जा रहे थे और पढ़ना है। कॉलेज एडमिशन के लिए तो एक एक परसेंट से लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए आगे तो बढ़ना है। और हाँ हमने एक वादा जरूर किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ, कि बोर्ड्स की छुट्टी के बाद गोवा जरूर जाएंगे। एंड एक शेर के साथ करना चाहूंगा कि जब तू थी तो सब अच्छा लगता था, हकीकत ख्वाब और हर ख्वाब हकीकत लगता था, तेरे साथ दिन और रात सब एक ही सा लगता था, तुझसे एक पल भी ना मिलूं तो मेरा दिल मचलता था। वो भी क्या दिन थे यार, वो भी क्या दिन थे, जब तेरी जुबान से भैन छोड़ निकल जाता था और तेरा ये भैन छोड़ सुन के मैं पिघल जाता था। शुक्रिया।